हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बनाना के ऊपर। सभी लोग जानते हैं कि जो बनाना होता है वो किसे होता है, ट्राइप्लोइडी नेचर का होता है। बनाना का बोटनिकल नेम मूसा पेराडिसिका। जो एडेबल बनाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूसा एक्यूमिलेटा हम लोग बोलेंगे। आप लोग जानते हो गाइस कि जो बनाना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो स्टेम बोलते हैं। ये पूरे स्यूडो स्टेम होता है। बनाना जो होता है इसमें अलग अलग प्रोसेस की जाएगी। जैसे सबसे पहले प्रोसेस की हम बात करते हैं डी सकरिंग। ये देखो, ये बनाना का हमारा मेन प्लांट हो गया और ये जो आउट साइड से निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, सकर से बोलते हैं। पूछा जाएगा कि बनाना का प्रोपेगेशन किसके माध्यम से किया जाता है, तो किसके माध्यम से किया जाता है, शॉर्ट सकर्स के माध्यम से किया जाएगा। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, जो छोटे छोटे क्या निकलते हैं, जो राइजोम निकलते हैं, उस राइजोम को हम क्या बोलते हैं, बिट्स एंड पेपर से बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बनाना में क्या होता है कि जब इसकी बंच जब हेवी हो जाती है, बंच जब हेवी हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि उससे गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी। तो उससे बचाने के लिए जो प्रोसेस की जाएगी, यहाँ पे बेम्बू क्रचेस लगाए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉपिंग हम लोग बनेंगे। आपने देखा होगा कि बनाने में क्या होता है, एक मेल फ्लावर भी होता है। इसमें मेल वैसे निकला तो नहीं है, लेकिन आफ्टर कंप्लीमेशन क्या होता है कि जब मेल को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डीएनए वेलिंग हम लोग बोलते हैं। कुछ वेराइटियाँ ध्यान रखना है कि जिसे क्या होती है, पुवन होता है ना, अमृत सागर होता है, दूध सागर होगा, रसथली होती है, इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी मानी जाती है। एक और वेराइटी ध्यान रखना है जिसको हम बोलते हैं रेड वेलची जो होगा, स्पेशली इसकी रेड स्किन होती है, इसका आंसर को रेड वेलची भी हम लोग बनेंगे। बनाना एक प्रकार से कैसा प्लांट होता है, मोनोकार्पिक प्लांट होता है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक बार में एक ही फल देता है। आपने देखा होगा कि एक बार में सिर्फ एक ही फल देगा, तो इस कारण से क्या होगा कि जो आउट साइड से जो सकर से निकलेगा, तो आउट साइड से जब सकर से निकलेगा तो इसको हम पूरी तरीके से काट देंगे। काटने के बाद क्या होगा, ये सकर से फिर से ग्रो करेगा यहाँ पे, ताकि इसके न्यूट्रिएंट जो होंगे इस सकर से को मिलेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटोकिंग हम लोग बोलेंगे। आप लोग बताना है कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताइए यहाँ पे कि डी हैंडलिंग क्या होता है। यहाँ पे सभी लोग कमेंट में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।